मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 5 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना, बाकी सब धंधे खोटे हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना, बाकी सब खोटे धंधे हैं। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए, और उत्तर में बाबा कहते हैं कि कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें, सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बतावें, सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दें, यह उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ बच्चों को ओम शांति का अर्थ भी समझाते हैं, खुद भी कहते हैं ओम शांति, तो बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। यह अपना परिचय देना होता है कि हम आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम के रहने वाले हैं, हमारा बाप भी वहां रहने वाला है। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते हैं, भल मनुष्य गाते हैं परंतु रावण मत पर, रावण मत पर, मनुष्य को तो रावण मत बिगाड़ती है, बाप आकर बिगड़ी को बनाते हैं। रावण भी एक है और राम भी एक है, 5 विकारों को मिलाकर कहते हैं रावण। रावण अपना राज्य स्थापन करते हैं शोक वाटिका में बैठने का, वह बिगाड़ते हैं, वह बनाते हैं। रावण को मनुष्य नहीं कहा जाता है, परंतु दिखाते हैं 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के। रावण राज्य में दोनों में विकार है। तुम जानते हो 5 विकार हमारे में भी थे, अभी हम श्रीमत पर निर्विकारी बनते जाते हैं, बिगड़ी को सुधार रहे हैं। जैसे बाप सबकी बिगड़ी बनाते हैं, बच्चों में भी यही उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे हम बिगड़ी को बनावें। सब मनुष्य मात्र 1-2 की बिगाड़ते रहते हैं, बिगड़ी को सुधारने वाला एक ही बाप है। तो जैसे तुम सुधरे हो, वैसे तात लगी रहे कि कैसे जाकर दुखी आत्माओं की सहायता करें। बाप की जो उत्कंठा है, वह सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे किसकी बिगड़ी को बनाएं। मित्र संबंधियों को भी समझाना चाहिए, उनको भी रास्ता बताएं। दुखी जीवात्माओं को 21 जन्मों के लिए सुखी बनाएं। फिर भी हमारे भाई बहन हैं, बहुत अशांत हैं। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो ख्याल आना चाहिए कि कैसे जाकर किसी को समझाएं, भाषण करें, घर घर जाएं, मंदिरों में जाएं। बाप मत देते हैं कि मंदिरों में बहुत सर्विस कर सकते हो, भक्त बहुत है, अंधश्रद्धा से शिव के मंदिर में बहुत जाते हैं, अंदर में कोई न कोई आश रख कर जाते हैं, यह नहीं समझते कि शिव हमारा बाप है। उनकी इतनी जो महिमा है, तो जरूर कभी कुछ करके गए होंगे, शिव के मंदिर में क्यों जाते हैं, अमरनाथ पर यात्रा करने क्यों जाते हैं। ढेर यात्रियों को ब्राह्मण लोग व सन्यासी ले जाते हैं, यह है भक्ति मार्ग का धंधा, इससे तो सुधरेंगे नहीं। भोलानाथ बाप ही आकर बिगड़ी को बनाते हैं, वह विश्व का रचयिता अथवा मालिक है, लेकिन खुद नहीं बनता है। मालिक तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु वह ऊंच है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तुमको दिल में आना चाहिए कि कैसे हम भाई बहनों को रास्ता बताएं। किसी को दुखी रोगी देखा जाता है तो रहम आता है ना। बाप कहते हैं, अभी हम तुमको ऐसा सुखी बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए रोगी नहीं होंगे, तो तुम बच्चों को औरों को भी सुख धाम का रास्ता बताना है। सर्विस की उत्कंठा वाले एक जगह नहीं रह सकेंगे,
समझेंगे, हम भी जाकर किसी को सुख धाम का रास्ता बताएं। बाबा तो बहुत ललकार करते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी धारणा होगी तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। इस राजाई की स्थापना में पैसे की दरकार नहीं रहती। वो लोग तो आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं रावण की मत पर, हम रावण से राज्य छीनते हैं। राम राज्य राम द्वारा ही मिलता है। सत्ययुग में राम राज्य शुरू होता है और यहाँ कलयुग में राम राज्य कहाँ से आया? यह तो रावण राज्य है, सब दुखी हैं। यह बात तुम सभी को समझा सकते हो। पहले उन्हें समझाना है जो गरीब हैं, व्यापारी हैं। बाकी बड़े आदमी तो कहेंगे कि हमको फुर्सत नहीं है, हम बिजी हैं। समझते हैं हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, प्लान करते रहते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि शिव बाबा बिगर कोई स्वर्ग बना नहीं सकते। अभी टाइम थोड़ा बाकी है, राम राज्य स्थापन करने में ढील नहीं करनी है। रात दिन फुर ना रहना चाहिए कि कैसे किसी को दुख से छुड़ाएं। बच्चों को ये दिल में आना चाहिए कि कैसे भाई बहनों को रास्ता बताएं। अभी सब रावण की मत पर हैं। बाप तो बाप हैं जो बच्चों को आकर वर्षा देते हैं। मनुष्य कोर्ट में जाकर कहते हैं कि ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहता हूँ, परंतु अगर वह सर्वव्यापी है तो फिर प्रार्थना किसकी करते हैं? उनको कुछ भी पता नहीं है। बाप बार बार समझाते हैं कि मित्र संबंधियों को जगाओ, तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी ना हो, परंतु सब बच्चे तो ऐसे बन नहीं सकते। बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, कितना भी समझाओ तो भी सुनते ही नहीं। बाप भी समझते हैं कि शायद टाइम लगेगा, जब सब अच्छी रीति बाप की सर्विस में लग जाएं। शौक भी तो होना चाहिए ना, जो जाकर कहे कि बाबा हमको सर्विस पर भेजो कि हम जाकर औरों का कल्याण करें, परंतु बोलते ही नहीं। बच्चों का धंधा ही है सच्ची गीता सुनाना। अक्षर ही दो हैं, अल्फ और बे। बाबा ने अच्छी तरह युक्ति समझाई है। पहली बात ही यह है कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। नीचे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम लिखा हुआ है। बाबा बहुत नया तरीका बहुत सहज बताते हैं। बाबा को उत्कंठा रहती है कि ऐसे ऐसे बोर्ड लगाना चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं। बाप को कहते हैं कि रहम दिल ब्लिसफुल, तो बच्चों को भी बाप समान रहम दिल बनना है। इन चित्रों में तो बहुत बड़ा खजाना है, स्वर्ग के मालिक बनने की इनमें युक्ति है। बाप तो बहुत युक्तियां निकालते रहते हैं, कल्प पहले भी निकाली थी और अब भी निकाली है। मनुष्य को टच होगा कि यह बात तो बड़ी अच्छी है, बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। यह भी लिख दो कि स्वर्ग के वर्षे के तुम हकदार हो। आकर समझो, बहुत सहज बात है, सिर्फ बोर्ड बनाकर अच्छी अच्छी जगह पर लगाना है। 10-20 स्थानों पर बोर्ड लगाओ। यह एडवर्टाइजमेंट भी डाल सकते हो, हमारे जो बिछड़े हुए बच्चे होंगे उन्हों को ये अक्षर लगेंगे, कहेंगे पता तो निकालेंगे ये क्या समझाते हैं। यह भी लिखा हुआ हो कि इस पहेली को समझने से तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पा सकते हो एक सेकंड में। बाप कहते हैं कि अगर अपनी जीवन बनानी है तो सर्विस करो, सागर पास आकर रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। भक्ति मार्ग में तो आधा कल्प धक्के खाए हैं, यहाँ तो एक सेकंड में बाप को जान बाप से वर्षा पाना है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, सबसे अच्छा धंधा है यह। बाकी जो भी मनुष्य धंधे करते हैं वह है खोटे। एक धंधा सिर्फ करना है, बाप और वर्षे को याद करो। कॉलेजों में जाकर प्रिंसिपल को समझाओ तो पढ़ने वाले भी समझें कि तुम कितना सहज वर्षा ले रहे हो। जितना हो सके बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है,
बहुत बहुत मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है, बाप समान रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। सेकंड पॉइंट है कि मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप को और वर्षे को याद करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। बाबा ने वरदान दिया कि देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महा बलवान भव, देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महा बलवान भव। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि देह अभिमान को कोई भी अंश छिपा कर रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजयी भव दिखाई भल दिखाई देगी, लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई है। बाबा कहते हैं अभिमान को स्वमान समझ लिया तो उसमें अल्पकाल की विजयी भल समाई दिखाई हो देगी हमें, लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई है। स्लोगन है, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंद स्थिति है। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंद की स्थिति है। ओम शांति। तो आज अनमातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। तो मातेश्वरी जी कहती हैं कि इस अविनाशी ज्ञान को परमात्म ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का मतलब है जीते जी मर जाना, इसलिए कोटों में कोई विरला यह ज्ञान लेने की हिम्मत रखता है। यह तो हम जानते हैं कि यह ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन बनाता है, हम जो सुनते हैं वो प्रैक्टिकल में बनते हैं। ऐसा ज्ञान कोई साधु संत महात्मा दे नहीं सकते। वो लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि मन मनभव, अब यह फरमान सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। मन मनभव का अर्थ है कि मेरे साथ योग लगाओ, अगर मेरे साथ योग लगाएंगे तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर वैकुंठ की बादशाही दूंगा, वहां तुम चलकर राज्य करेंगे। इसलिए इस ज्ञान को राजाओं का राजा कहते हैं। अब ये ज्ञान लेना बहुत महंगा सौदा है। ज्ञान लेना अर्थात एक ही धक से जीते जी मर जाना। शास्त्रों आदि का ज्ञान लेना तो बिल्कुल सस्ता सौदा है, उसमें तो घड़ी घड़ी मरना होगा, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान नहीं देते। इसलिए बाबा कहते हैं अभी जो करना है अब करो, फिर ये व्यापार नहीं रहेगा। और अगली कौन सी बात मातेश्वरी समझा रही है कि परमपिता परमात्मा को सत्य चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। अब परमात्मा सत्य क्यों है? क्योंकि वह अविनाशी इमॉर्टल है, वो कब असत्य नहीं होता, अजर अमर है। और परमात्मा को चैतन्य स्वरूप भी कहते हैं। चैतन्य का अर्थ है परमात्मा भी मन बुद्धि सहित है, उसको नॉलेज फुल पीसफुल कहते हैं। वो ज्ञान और योग सिखला रहे हैं, इसलिए परमात्मा को चैतन्य भी कहते हैं। भल वो अजन्मा भी है, वो हम आत्माओं के मुआफिक जन्म नहीं लेता। परमात्मा को भी ये नॉलेज और शांति देने के लिए ब्रह्मा तन का लोन लेना पड़ता है। तो वो जब चैतन्य है तभी तो मुख द्वारा हमें ज्ञान योग सिखला रहे हैं। और फिर परमात्मा को सत्य चित आनंद स्वरूप भी कहते हैं। तो ये सब गुण परमात्मा में भरे हुए हैं, इसलिए परमात्मा को सुख दुख से न्यारा कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा कोई दुखदाता है, नहीं, वो सदा सुख आनंद का भंडार है। जब उसके गुण ही सुख आनंद देने वाले हैं तो फिर हम आत्माओं को वह दुख कैसे दे सकते हैं। और मातेश्वरी जी कहते हैं कि बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि यह जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के कुछ हाथ नहीं है, करण करावनहार स्वामी है, सब कुछ परमात्मा ही करता है, सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाया है। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले पहले उन्हों को ये समझाना जरूर है कि ये अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल ऑटोमेटिक चलता रहता है,
साथ साथ यह भी कहते हैं कि यह सब कुछ परमात्मा ही करता है। यह जो परमात्मा को करण करावनहार कहते हैं, ये नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? अब इन बातों को समझना है। पहले तो यह समझना है कि यह जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा अनादि है, वैसे यह चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड हैं, दोनों अविनाशी हैं। बाकी बीज का क्या काम है? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज ना बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होगा, होता ही नहीं है। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है और परमात्मा का पाठ है बीज बोना। परमात्मा ही कहता है कि मैं परमात्मा हूं ही तब जब बीज बोता हूं, नहीं तो बीज और वृक्ष अनादि हैं। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है, मेरी सृष्टि वही है कि जो मैं खुद पाटदारी बन बीज बोता हूँ। सृष्टि की आदि भी करता हूँ और अंत भी करता हूँ। मैं करणधारी बन बीज बोता हूँ, आदि करता हूँ बीज बोने समय, फिर बीज का अंत भी आता है, फिर सारा झाड़ बीज की ताकत पकड़ लेता है। बीज का मतलब है रचना करना और फिर उनकी अंत करना, पुरानी सृष्टि का अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना। इसको ही कहते हैं कि परमात्मा सब कुछ करता है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।